मोलेकुलेरिटी बहुत ही यूजफुल टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे सीख जाएंगे, है ना। और ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो तो है नहीं, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मोलेकुलेरिटी, कुलेरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों अणुताप, है ना। और ये जो है हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल नहीं, है ना। यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑलवेज थ्योरेटिकल वैल्यू। दूसरा पॉइंट, मोलेकुलरिटी है क्या? जब कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट में जितने भी मोलेक्यूल्स होता है ना, टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, आफ्टर बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट के मोलों की संख्या को मोलेकुलरिटी कहते हैं। तो बच्चों इसको लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉल्ड मोलेकुलरिटी। केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के बाद रिएक्टेंट में जितना भी मोलेक्यूल्स होगा टोटल को जोड़ देंगे, वही उसका मोलेकुलरिटी होगा। इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, इट इज नेवर बी जीरो निगेटिव एंड नॉट एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। हमेशा याद रखेंगे इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, NH4NO2 N2+2H2, है ना। अब ये रिएक्शन है, पहले इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस तो ऑलरेडी किया हुआ है बच्चों, है ना। एक मोलेक्यूल्स रिएक्टेंट है, इसका मोलेकुलरिटी हो जाएगा 1, है ना, यही मोलेकुलरिटी है। दूसरा एग्जांपल, NO+O2 NO2 बैलेंस कर देंगे, है ना, मोलेकुलरिटी हो जाएगा, मोलेकुलरिटी हो जाएगा 2 मोल है NO और 1 मोल है O2, यानी 3। एग्जांपल और देख लेते हैं, N2+3H2 2NH3, सिर्फ रिएक्टेंट के मोलों की संख्या को देखेंगे, मोलेकुलरिटी हो जाएगा इसका 4, 3 मोल हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, यानी 4। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, कहता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होता है तो जो स्लो स्टेप होता है वो डिटरमाइन करता है मोलेकुलरिटी को, है ना। तो यहां लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस मोर देन 1 स्टेप, द स्लो स्टेप इज डिटरमाइन द
मोलेकुलरिटी हमेशा याद रखेंगे, जो स्लो स्टेप फास्ट स्टेप को डिटरमाइन नहीं करेगा मोलेरिटी को, है ना। अब रिएक्शन है H2+Cl2HCl। अब ए बच्चों कई स्टेप में रिएक्शन होता है, कैसे कैसे होता है ध्यान देंगे। Cl2 है, सनलाइट में होगा यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, ए दो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होगा, है ना। इसके बाद Cl माइनस है, H2 से अभिक्रिया करेगा, HCl बनाएगा और एक हाइड्रोजन प्लस निकालेगा। फिर हाइड्रोजन प्लस है, ए रिएक्ट करेगा Cl2 से, है ना, तो ये HCl बनाएगा और एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, है ना। अब एक और स्टेप है बच्चों, ये तीनों स्टेप जो है फास्ट है, ए मोलेक्युलरिटी को नहीं दर्शाएगा। H प्लस ए दोनों मिलेगा, H2 बनाएगा, ए जो है स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, और यही मोलेक्युलरिटी को डिटरमाइन करेगा, हमेशा याद रखेंगे। मोलेक्युलरिटी क्या हो जाएगा, 1:1, क्या यही तो है बच्चों आपका मोलेरिटी, मोलेकुलरिटी। रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।